गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत मुबारक हो। और तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जो बाइक मॉडिफाई करने वाला है, ये बाइक आज से हमने 6 महीने पहले मॉडिफाई किया था, जो कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया था। तो फ्रेंड्स, आप सबका प्यार का नतीजा ये हुआ कि उस बाइक को हमने फिर से दोबारा मॉडिफाई किया है, जो कि बिल्कुल यूनिक है और बिल्कुल हटके है, सबसे हटके ये बाइक का मॉडिफाई है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए डायरेक्ट हम आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। तो फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पर नए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो हम लाए तो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने जो बाइक देखा है R15 V3 है, जिसको हमने 6 महीने पहले मॉडिफाई किया था ग्रीन कलर के विनाइल से, जो कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया था और बहुत ज़्यादा सराहा भी था वीडियो को। तो फ्रेंड्स, हमने 6 महीने बाद उसी बाइक को हमने यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, स्पेशल रेपिंग हमने इस बाइक में किया है, जो कि बिल्कुल यूनिक है। और ये वाला जो मॉडिफाई है फ्रेंड्स, ये बहुत कॉस्टली है, चूँकि इसका विनाइल ही बहुत कॉस्टली आता है। तो फ्रेंड्स, बात करें इस विनाइल इस स्पेशल रैपिंग की थिकनेस की, तो इसकी थिकनेस है 300 माइक्रोन। तो फ्रेंड्स, 300 माइक्रोन लगभग बहुत मोटा होता है, इसका थिकनेस ज़्यादा होता है, इसकी वजह से फ्रेंड्स ये विनाइल मुड़ती नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इस विनाइल में हॉट एयर गन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कितनों ज़्यादा इसमें हॉट गन दे दें, लेकिन ये नॉर्मल नहीं होती है, नरम नहीं होती है, ये हार्ड ही रहती है और कहीं पर भी ये मुड़ती नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमको इसमें फर्मा बना करके जो है यहाँ पर हमको इसमें इस्तेमाल में ले रहे हैं, क्योंकि ये मुड़ती नहीं है, इसकी वजह से अगर इसको हम ज़बरदस्ती मुड़ाते हैं तो एयर ले लेता है या फिर मुड़ जाता है कहीं पे, इसके वजह से ये देखने में ख़राब लगती है। इसलिए फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप इसको हमने काट काट के यहाँ पर इंस्टॉल करने की कोशिश की है, हालाँकि इस तरह से करने में भी ये बहुत ज़्यादा टफ है। तो फ्रेंड्स, बात करें अगर इसकी टिकाऊ की, तो इसकी टिकाऊ बहुत ज़्यादा है और बहुत ही अच्छी विनाइल है और मोटी है, इसकी वजह से इसका टिकाऊ ज़्यादा रहेगा। और सबसे पहली बात कि इसका जो गम है ये बहुत ही मजबूत है और बहुत तगड़ा गम है, बहुत ही अच्छा है। जहाँ पे चिपकता है कुछ मिनटों के बाद ही ये जो है वहाँ पर बहुत अच्छे से पकड़ बना लेता है और आसानी से नहीं निकलता है, निकालने के लिए भी हमको मेहनत करना पड़ता है। और यहाँ पर फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं टैंक को हमने यहाँ पर ब्लैक किया है, जो कि ग्लोसी ब्लैक है, और फिर साइड में हम वही वाला विनाइल का यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। और यहाँ पर ये वाला जो आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये स्मोक ब्लैक है, हालांकि इससे पहले हमने यहाँ पर वाइज़र में मेट ब्लैक का इस्तेमाल किया था, लेकिन यहाँ पर हम अभी ग्लोसी ब्लैक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि ये देखने में और भी लाजवाब बनाती है बाइक को। तो फ्रेंड्स, ये जो विनाइल है ये बिल्कुल अलग विनाइल है, सबसे अलग है और स्पेशल है, क्योंकि इसमें जो आप कलर देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, कोई ऐसा कलर बाकी नहीं है जिसमें ये नहीं दिखेगा, हर कलर में ही दिखा है। क्योंकि इसमें अगर अलग अलग तरीके से, अलग अलग एंगल से अगर आप इसको देखेंगे, तो कभी रेड होगा, कभी ब्लू होगा, कभी पिंक होगा, कभी येलो होगा, तो वाइट होगा, फिर ब्लैक होगा, ब्लू होगा, सॉरी ब्लैक नहीं होगा, ब्लू होगा, बाकी सब कलर इसमें है फ्रेंड्स। तो इसीलिए इसको रेनबो भी आप कह सकते हैं, लेकिन रेनबो में बहुत सारे क्वालिटी आते हैं, लेकिन ये बिल्कुल अलग क्वालिटी है, यूनिक है और कॉस्टली भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा थिकनेस वाली विनाइल है, ज़्यादा मोटा विनाइल है, जो कि बिल्कुल हार्ड है और मुड़ती नहीं है कहीं पर भी। इसको आप कहीं पर इंस्टॉल करते हैं राउंडिंग जगह पे, तो इसको आप वहाँ पर हॉट एयर गन से नहीं बिठा सकते हैं, इसको आपको उसके साइज़ में बनाना पड़ेगा, उसके साइज़ में इसको कट करना पड़ेगा, फिर जाकर के आप इसको बिठा पाएंगे, तब ये चिपकेगा, वरना आप ज़बरदस्ती वहाँ पर हॉट एयर गन से गर्म करके बिठा देंगे, लेकिन बाद में ये फूल जाएगा वहाँ पर और वहाँ से छोड़ने लगेगा, क्योंकि इसका जगह नहीं मिलेगा विनाइल बैठने के लिए, तो ये वहाँ से अपने आप छोड़ देगा। जहाँ पर ये बैठ जाती है विनाइल, वहाँ पर फिर ये नहीं छूटती है, क्योंकि इसका गम भी बहुत ज़्यादा हार्ड है और बहुत मजबूत है। तो फ्रेंड्स, ये विनाइल आपको 5 कलर में अवेलेबल मिल जाएंगे, जैसे कि पहला कलर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पिंक कलर है, और फिर ग्रीन कलर में भी आती है, येलो में भी आती है, और ब्लैक में भी आती है, जिसको आप ग्रे कह सकते हैं, और पर्पल में भी ये विनाइल आती है।
तो इसमें से मुझे सबसे बेस्ट कलर ये वाला ही लगा जो यहाँ पर हम अभी लगा रहे हैं। ये बहुत ही यूनिक कलर है, क्योंकि इसको आप अगर धूप में देखते हैं तो ये अलग दिखती है, और इसको साइड से देखते हैं तो पिंक दिखती है, इसको बीच से देखते हैं तो ब्लू दिखती है, साइड से देखते हैं तो पर्पल दिखती है। यानी कि कोई भी ऐसा कलर इसमें बाकी नहीं है जो कि आपको नहीं दिखता है, सारा कलर यहाँ पर आपको दिखता है। इसलिए फ्रेंड्स ये बहुत ही यूनिक विनाइल है और बहुत ही अलग है। वीडियो कंप्लीट होने के बाद हमने इसको जगह जगह पर शॉट लिया है, आप देखेंगे कि वाकई में ये बहुत ही यूनिक लग रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इसका व्हील को खोल दिया है और व्हील को हमने ब्लैक किया है, और ब्लैक करके यहाँ पर हम ब्लैक वाला रिम यहाँ पर लगा रहे हैं, क्योंकि इसके साथ ब्लैक कलर ही मैच हो रहा था। अगर यहाँ पर हम वाइट करते हैं तो वो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए हमने ब्लैक किया है। और ये वाला फ्रेंड्स वाइजर आपने देखा, ये दूसरा वाइजर में हमने इंस्टॉल किया है, और इसका डिज़ाइन जो है ब्लैक से हम यहाँ पर दे रहे हैं, जो कि ये भी अपने में एक लाजवाब डिज़ाइन होगा जो कि बिल्कुल यूनिक होगा। और फ्रेंड्स इस डिज़ाइन का अगर आप वीडियो डिटेल में देखना चाहते हैं तो हम अपने ब्लॉग चैनल पर डाल देंगे, वहां पर आप देख लेंगे इस डिज़ाइन को हमने कैसे किया है। यहां पर हमने शॉर्ट में वीडियो दिखाने की कोशिश की है, यहाँ पर अगर हम पूरा डिटेल दिखाते तो वीडियो कम से कम 2 घंटे का हो जाता। पिछला वीडियो हमने 17 मिनट का बनाया था, तो आप लोगों ने तो बहुत सारा कमेंट्स भी किया था कि हमने बहुत ज़्यादा बोर कर दिया, इसलिए इस वीडियो में हम बहुत शॉर्ट में दिखाने की कोशिश किए, लेकिन सारा चीज़ दिखाए, स्टेप बाई स्टेप दिखाए और बहुत शॉर्ट में हम यहाँ पर दिखाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख पा रही है इंजन गार्ड है, इसको भी हमने ग्लोसी ब्लैक किया है, और इसके ऊपर से फिर हम विनाइल का डिज़ाइन देंगे, जो बाइक में हम यूज कर रहे हैं उसी का डिज़ाइन हम यहाँ पर देंगे, जो कि ब्लैक में ये अपने में बहुत ही यूनिक दिखेगा और बहुत ही ज़बरदस्त दिखेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो कंप्लीट होने के बाद जो हमने शॉट लिया है वो आप ज़रूर देखिएगा, वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही यूनिक है। यहाँ पर आप देख पा रहे फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है, ये देखिए कलर कितना ज़बरदस्त चेंजिंग हो रहा है। तो फ्रेंड्स इस बाइक के मॉडिफाई का अगर आप पूरा डिटेल जानना चाहते हैं और स्टेप बाय स्टेप देखना चाहते हैं तो मेरे ब्लॉग चैनल पे जाइए, हमने इस पर ऑलरेडी 3 से 4 वीडियो अपलोड कर रखा है, और कैसे कैसे हमने इसको मॉडिफाई किया है स्टेप बाय स्टेप हम वहां पर हमने दिखाया है। तो ब्लॉग चैनल पर जा करके आप मेरा इस वीडियो को देख लीजिए, कितना समय लगा है, कैसे किया है, कौन कौन सा सामान का यहाँ पर यूज किया है, सारा डिटेल हम ब्लॉग चैनल पर दिखाए हैं। तो फ्रेंड्स इस बार हमने इस बाइक को पूरा पार्ट पार्ट खोल के हमने इसको रैपिंग किया है, और हर पार्ट को हमने खोल के इसको रैपिंग किया है, इसलिए क्या फ्रेंड्स क्योंकि साइड में हम इसको मोड़ करके इसको पैक कर देना चाहते थे और वहां पर एक टेप लगा देना चाहते थे ताकि ये वहां से साइड से ना छोड़ दे। और यहाँ पर फ्रेंड्स आप ये टैंक का डिज़ाइन देख रहे हैं, तो ये डिज़ाइन आप वाकई में ये डिज़ाइन बहुत ही यूनिक है और बहुत ही ज़बरदस्त हमने इसको बनाया है। देखिए यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में, एक तो यहाँ पर ये डिज़ाइन भी हो गया, और दूसरा जो है यहाँ पर ये कटता नहीं, अगर सलग साटते तो वहाँ पे सटता भी नहीं, इसके वजह से हमने काट के वहाँ पे लगाया है और वहाँ पर हमने डिज़ाइन कर दिया है। और फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इंडिकेटर को चेंज किया है, जो कि ये इंडिकेटर ठीक ठाक लग रहा है, और यहाँ पर हमने जो है 46 का यहाँ पर इस्तेमाल किया है, यहाँ पर हमने डिज़ाइन लगाया है जो कि ये भी लाजवाब देखने में लग रहा है। और यहाँ पर फ्रेंड्स हमने छोटा सा सिग्नेचर अपना मारा है, जो कि हमने बाइक ओनर से पूछ लिया था, उन्होंने कहा कि हाँ मार दीजिए, तो हमने ये सिग्नेचर अपने सिस्टम से बना करके यहाँ पर लगाया है। और अब फ्रेंड्स इसका जो है हमने कंप्लीट हो गया है ये लगभग बाइक, और इसमें जो है अभी एक प्लास्टिक और निकलने वाली है इस विनाइल से, जो कि प्लास्टिक निकलेगी, इसको कहते हैं तीसरा लेयर, और इस लेयर को जब हम निकालेंगे तब इसका शाइनिंग जो है आएगा, और बहुत ही ज़बरदस्त शाइनिंग आएगा और बहुत ही यूनिक देखने में लगेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसका जो हम सबसे लास्ट वाला जो स्टेप है प्लास्टिक इसको निकाल रहे हैं, इसको निकालने के बाद इसका जो है शाइनिंग आएगा और इसका जो कलर जो है ये अब आपको देखने में लगेगा बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लाजवाब लगेगा देखने में। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं, अगर मेरा कैमरा सही काम कर रहा है तो आप देख पा रहे हैं कहीं पर ये पिंक दिख रहा है, कहीं पे पर्पल दिख रहा है, कहीं पे ब्लू दिख रहा है, तो कहीं पे वाइट दिख रहा है। और अगर आप धूप में जाते हैं इसको लेकर के तो धूप में आपको प्योर स्टील दिखेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ये बाइक कंप्लीट हो गया है, और आप इसका व्यू देखिए तरह तरह से।
तो फ्रेंड्स, इस बाइक को मॉडिफाई करने में हमें लगभग सप्ताह भर का समय लग गया और इस वीडियो को हमने खुद से एडिट किया है और हमारा कैमरामैन आकाश है। तो फ्रेंड्स, इस बाइक के मॉडिफाई आपको कैसा लगा और इस वीडियो का एडिटिंग आपको कैसा लगा, ये सारा कुछ आप मुझे कमेंट्स में बताएं। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दिए। तो हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी अच्छी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। We'll be right back.